साल रोहतगी, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि मोदी सरकार के अंदर एक्चुअली फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया हैव बिकम जॉबलेस। जी हाँ, पैंडेमिक का समय है मगर ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इतनी बेशर्म हो गई है, इतनी बेगैरत हो गई है कि कुछ भी करने को तैयार हो गई है। और ये कौन है? ये है भारत की फेमिनिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट स्वरा भास्कर। ये अपने आप को एक्टिविस्ट समझती है, मोदी सरकार को हर वक्त गाली देती है, मोदी जी के बारे में खराब शब्द का प्रयोग करती है। ये स्वरा भास्कर कोई वेब सीरीज रस भरी में आई है और इस वेब सीरीज में वो वाइब्रेटर को प्रमोट नहीं कर रही, वो ऑर्जी को प्रमोट कर रही है, क्योंकि वाइब्रेटर तो उसने सोनम कपूर की प्रोडक्शन में प्रमोट किया था, अब उसका लेवल बढ़ गया है, वो ऑर्जी करके इस वेब सीरीज के अंदर भारतीय संस्कृति को बदनाम करना चाहती है, बिकॉज यही उसके पास तरीका रह गया है रोजी रोटी कमाने का। आई थिंक इससे तो बेटर सनी लियोन है, मगर ऑब्वियसली सनी लियोन और स्वरा भास्कर में चॉइस देंगे तो भारतीय लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं वो सनी लियोन को चूज करेंगे क्योंकि सनी लियोन कम से कम अपने देश के खिलाफ तो साजिश नहीं करती है, मगर स्वरा भास्कर तो देश के खिलाफ साजिश करती है, एंटी नेशनल्स के साथ खड़ी रहती है और अब भारतीय संस्कृति को खराब करने के लिए ऑर्जी तक को बेचने, ऑर्जी तक को करने के लिए तैयार हो गई है इंडियन सिल्वर स्क्रीन में। अब ये स्वरा भास्कर 4 साल के बच्चे को गंदी गाली दे सकती है, चू कह के शब्द से पुकार सकती है, क्यों? क्योंकि वो 4 साल का बच्चा उसे आंटी कहता है। ये है इनका टॉलरेंस लेवल, ये है इनका चाइल्ड वेलफेयर थॉट प्रोसेस, क्योंकि इनकी ये वेब सीरीज रस भरी में एक छोटी लड़की प्रोवोकेटिवली डांस भी कर रही होती है इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मेन, विच हैज बीन कंडेम्ड बाय प्रसून जोशी ऑल्सो, मगर ऑब्वियसली इनको कुछ बुराई नहीं लगती, ये सिलेक्टिव फेमिनिज्म के लिए फाइट करते हैं, ये सिलेक्टिव चिल्ड्रन एम्पावरमेंट के लिए फाइट करते हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग अपने देश को बेच देते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, तो फेमिनिज्म और चाइल्ड राइट्स तो बहुत ज्यादा छोटी चीज है। दूसरी बात करते हैं अबाउट अनदर सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा विराट कोहली की बीवी, जो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर टर्न हो गई विद पाताल लोक, जहां पर ऑब्वियसली हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का मजाक उड़ाया गया, वो अनुष्का शर्मा अब एक स्टेप और आगे बढ़ गई है और बुलबुल करके एक वेब सीरीज के अंदर भगवान कृष्ण और राधे मां के लिए गलत शब्दों का ट्रांसलेशन किया गया है, उसकी प्रोड्यूसर बन गई है। अनुष्का शर्मा, आपने क्या, आपको क्या हो गया है? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? आर यू नॉट सीइंग द काइंड ऑफ वर्क योर पीपल आर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग? क्योंकि आप ऑब्वियसली कुछ टिप्पणी नहीं देंगे जब लोग आपको ट्रोल करेंगे, बिकॉज आप अपने आप को बहुत महान समझती हैं। तो ये मैं आपको कह रही हूं, आपकी जो महानता है ये आपके घर तक ही है, घर से बाहर निकलिए और आपको पता चलेगा कि लोग आपकी कितनी धज्जियां उड़ा रहे हैं। पाताल लोक में आपने जो किया तो किया, अब नेक्स्ट सीरीज के अंदर बुलबुल के अंदर भी आप भगवान कृष्ण और राधे मां के लिए गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही है, दिखाता है कि आप सिस्टमैटिकली भारतीय गॉड्स और गॉडेसेस को टारगेट कर रही है, हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस को टारगेट कर रही है, भारतीय संस्कृति को टारगेट कर रही है, एंड यू शैल नॉट बी पार्डन्ड, योर हिपोक्रेसी इज गोइंग टू बी कॉल्ड आउट। जाते जाते एक थर्ड फेमिनिस्ट के बारे में बात करती हूँ, ये इतनी प्रचलित नहीं है क्योंकि ये बॉलीवुड से नहीं है, मगर ये केरला की एक्टिविस्ट है जो ऑब्वियसली सबरीमाला के लिए, सबरीमाला कॉज के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए यूज्ड सैनिटरी नैपकिन लेकर सबरीमाला टेम्पल में घुसने का षड्यंत्र रच रही थी, वो रेहाना फतिमा अब अपनी आधी नंगी बॉडी पे अपने बच्चों से पेंटिंग करवा रही है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। जी हाँ, दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू सच इडियट्स एंड जर्क्स एंड सेक्स स्लेव्स। ये रेहाना फतिमा के खिलाफ FIR दर्ज करी गई बिकॉज शी हैज बीन यूजिंग हर चिल्ड्रन टू पेंट ऑन हर हाफ नेकेड बॉडी एंड दिस इज व्हाट शी डज टू अर्न अ लिविंग। अब आप समझ सकते हैं कि सबरीमाला की सैंक्टिटी को हिंदू औरत समझती है या नहीं समझती है, क्योंकि आप सबरीमाला की सैंक्टिटी पे हिंदुइज्म को टारगेट कर रहे थे, मगर आपको नहीं पता कि सबरीमाला की सैंक्टिटी को ऐसे सो कॉल्ड नकली एक्टिविस्ट, नकली फेमिनिस्ट इसलिए बर्बाद करना चाहते थे बिकॉज दे वर पेड बाय सर्टन पीपल हु वांटेड टू टारगेट सबरीमाला टेंपल। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, दैट भारत के अंदर, मोदी सरकार के अंदर ये फेमिनिस्ट एकदम जॉबलेस हो गई है, कोई ऑर्जी बेच रहा है, कोई अपना आधा नंगा शरीर बेच रहा है और उसके ऊपर अपने बच्चों का प्रयोग कर रहा है। ये लोग ऑब्वियसली विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मगर ये लोग आर पीपल हु सेल भारतीय संस्कृति, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस एंड आर रिड्यूस्ड टू डूइंग जस्ट सेक्स फिल्म्स।
नमस्ते।